एक महीने में 7% बढ़े हैं कोरोना के मरीज। आज भी लगातार देखा जा रहा है सबसे ज्यादा केस देखने को मिला है। 7 फरवरी को मरीजों की संख्या 311,874 था और वही मार्च का अगर देखा जाए तो 7 मार्च को मरीजों की संख्या बढ़कर 333,564 हो चुकी है। मार्च के शुरुआती हफ्ते में कोरोना के नए मरीजों की संख्या पहुंची है 1,300 के पार हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 50% बढ़ चुकी है और कोरोना मरीजों के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या 50% बढ़ी हुई है। सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र और मुंबई में देखने को मिल रहा है और लगातार हर एक प्रतिदिन कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का मानना है कि अगर ये कोरोना वायरस के आंकड़े कम नहीं होगा तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा, नहीं तो नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। और सबसे पहले रोक लगाया जाएगा लोकल ट्रेन और आम जनता पे सबसे पहले रोक लगाया जाएगा। फरवरी को मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,441 थी और जो वही मार्च में बढ़कर 10,731 हो चुकी है। एक महीने में 5,00,000 लोगों की टेस्टिंग किया गया है मगर फिर भी कोरोना वायरस के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का मानना है कि हर एक इलाकों में टीकाकरण और वैक्सीनेशन की सुधार बहुत ही जोर शोर से हो रहा है मगर फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है कोरोना वायरस के आंकड़े। बहुत ही सख्त नियम सभी को फॉलो करना होगा। बीएमसी की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी कोशिशें जारी की जा रही है। आम जनता को रूल्स रेगुलेशन का पालन करना बहुत ही अनिवार्य किया गया है, नहीं तो इसका फेस सभी को करना होगा। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लगाया जाएगा। जो आम जनता को अनुमति दिया गया है लोकल ट्रेन में सफर करने के लिए उस पे भी रोक लगाया जा सकता है और फिर से देखा जाए तो बिल्डिंगों को सील किया जा रहा है। मुंबई के कुछ इलाकों में फिर से बढ़ रहा है कोरोना वायरस के आंकड़े। वसई, विरार, भाईंदर, मालाड और चर्चगेट में देखा जाए तो इस तरीके से बढ़ते देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस के आंकड़े। मुंबई में 24 घंटे के अंदर 1008 नए मरीज सामने देखने को मिले हैं और इसी प्रकार नए मरीज मिलने की वजह से देखा जाए तो अब हालांकि वीकेंड होने के चलते रविवार को टेस्टिंग कम हो गई थी मगर वापस से अब शुरुआत किया जा रहा है कि 7 दिन अब वैक्सीनेशन और टीकाकरण की शुरुआत किया जाए इसलिए कोरोना के कम मरीज मिले। इसके अलावा देखा जाए तो राज्य में नए मरीजों के मुकाबले कोरोना के स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अधिक हो रही है। राज्य में कोरोना का वही मरीजों का संख्या बढ़कर हो गई है 8,744 जो 24 घंटे के अंदर नए मरीज सामने देखने को मिले हैं, जबकि 9,068 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है जिसमें मुंबई के 956 मरीज शामिल हैं। मुंबई के 4 मरीजों सहित पूरे राज्य में 22 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। तो कोरोना वायरस के आंकड़े फिर एक बार रफ्तार में आ रहे हैं। पूरी तरीके से टीकाकरण वैक्सीनेशन की शुरुआत की